दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कोरोना वायरस से किस तरीके से घर बैठे अपना स्वास्थ्य परीक्षण कर सकते हैं, कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप कोरोना वायरस से संक्रमित है या नहीं। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये खास तौर पर भारतवासियों के लिए हैं, और इस वीडियो में मैं आपको पूरा टेस्ट करके दिखाऊंगा और आप भी इस टेस्ट को अपने घर पर घर बैठे कर सकते हैं और देश के साथ में अपने परिवार को भी बचा सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल रंग का बटन होगा उसे दबा लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों ये एक ऐप है, आपको प्ले स्टोर पर जाकर के आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड कैसे करना है मैं आपको पूरा प्रोसीजर शुरू से लेकर आखिर तक टेस्ट भी करके दिखाऊंगा, और साथ में ये भी बताऊंगा कि यदि कोई संक्रमित व्यक्ति आपके संपर्क में आता है तो ये ऐप आपको कैसे सूचना देगा। तो सब कुछ आपको देखना है, वीडियो 10 मिनट की है लगभग, और यदि आपने ये वीडियो देख ली तो आप अपने फैमिली को बचा सकते हो। सबसे बड़ी बात है कोरोना इस समय पूरी महामारी पूरे भारत के अंदर फैल रही है और तेज़ी से फैल रही है, आपको अपने और अपने परिवार को बचाना है तो देश ऑटोमेटिकली ही बच जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको आरोग्य सेतु ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जाना है और आप देख लीजिए प्ले स्टोर लिखा हुआ होगा, आप प्ले स्टोर को क्लिक कीजिए। जैसे आप प्ले स्टोर को क्लिक करते हैं तो सर्च का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है, ये सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको सर्च कर देना है और सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है आरोग्य सेतु, आरोग्य सेतु करके आपको यहाँ पे सर्च करना है। और यहाँ से इस आरोग्य सेतु का आप देख लीजिए, ये इस तरह से ग्रीन राइट लगा हुआ है और येल दिल टाइप का इसका लोगो बना हुआ है, और नीचे आरोग्य सेतु पर लिखा हुआ है NICEGOV मोबाइल ऐप्स, और इसे इंस्टॉल कर देना है। कुछ ही समय बाद ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए वेटिंग फॉर डाउनलोड, डाउनलोडिंग के लिए थोड़ा सा वेट करने के लिए बोला, और यहाँ पर देख लीजिए ये वेटिंग 2.93 MB का ये ऐप है। इस ऐप को जैसे ही यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ये देखिए ये आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड हो चुका है। अब इसे हम ओपन करेंगे, जैसे ही ओपन करेंगे तो ये लैंग्वेज चुनने के लिए बोलता है, आप हिंदी चुन लीजिए, यदि इंग्लिश में चाहते हो तो इंग्लिश कर लीजिए और नेक्स्ट कर लीजिए। जैसे ही आप नेक्स्ट पर आ जाएंगे तो देखिए इस तरह से ये ओपन होगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, हम सभी में भारत में फैल रही कोरोना वायरस महामारी को रोकने की क्षमता है। अब आपको नीचे यहाँ पर क्या आप चाहते हैं कि आपको यह जानकारी मिले कि कहीं आपके संपर्क में आया हुआ कोई व्यक्ति COVID-19 पॉजिटिव तो नहीं पाया गया है, आपको आगे करना है। आगे करने के बाद यहाँ पर लिखा है ब्लूटूथ और लोकेशन जनरेटेड सोशल ग्राफ की मदद से आरोग्य सेतु कोरोना पॉजिटिव लोगों के साथ आपके संभवतः संपर्क को ट्रैक करता है। यहाँ पर ये इस तरह से दे रखा है, और सबसे पहले एक ऐप इंस्टॉल करें, दूसरा ब्लूटूथ और लोकेशन को स्विच ऑन करें, तीसरा अपनी लोकेशन शेयरिंग को ऑलवेज सेट पर करें, ऐप को इंस्टॉल करने के लिए अपने दोस्तों और परिवार को भी आमंत्रित करें, और यहाँ से आपको आगे कर देना है। जैसे आप आगे करते हैं तो यदि आप जाने अनजाने में किसी COVID-19 पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको सूचित किया जाएगा। यदि आपको नहीं पता कि आप किसी पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं तो ये ऐप आपको बता भी देगा मैसेज के द्वारा कि आप किसी पॉजिटिव के संपर्क में आ चुके हैं, तो ऐप अलर्ट के माध्यम से निर्देश दिए जाएंगे। यदि आपको सेल्फ आइसोलेट होने की आवश्यकता है या आप में COVID-19 के लक्षण विकसित होते हैं तो आप उस परिस्थिति में सहायता की जाएगी, आपको यहाँ से आगे कर देना है। यहाँ पर देख लीजिए आरोग्य सेतु के साथ आप स्वयं की, अपने परिवार की और मित्रों की COVID-19 से सुरक्षा कर सकते हैं और राष्ट्र को इससे लड़ने में सहायता कर सकते हैं। हम सुरक्षित तो भारत सुरक्षित, रजिस्टर करें, क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए आज सेवा और गोपनीयता की शर्तें, हम इस विषय की संवेदनशीलता को समझते हैं और आपको सुनिश्चित करते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए उचित उपाय किए गए हैं। यहाँ पर आप अपनी मोबाइल लोकेशन, आपसे अनुरोध है कि आप अपने मोबाइल के लोकेशन की सेटिंग को ऑलवेज पर सेट करें, आप इसे बाद में कभी भी बदल सकते हैं। ब्लूटूथ
आपके मोबाइल का ऑन होना चाहिए। ब्लूटूथ आपके मोबाइल के आसपास के अन्य मोबाइल की निकटता अनुमानित करने में मदद करता है। यदि आपसे अनुरोध है कि आप इसे हमेशा ऑन रखें। डाटा शेयरिंग, आपका डाटा केवल भारत सरकार के साथ शेयर किया जाएगा। ये ऐप आपके नाम और नंबर का खुलासा किसी और के साथ नहीं करेगा। यदि आप कोरोना वायरस मुक्त भारत में योगदान देना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें। सेवा और गोपनीयता की शर्तों की अपनी स्वीकृति दें। मैं सहमत हूँ पर क्लिक कर दीजिए, अलाउ कर दीजिए और यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। OTP आएगा, 58 सेकंड के अंदर ये OTP आ चुका है और इसे सबमिट आप कर दीजिए। तो ये मैसेज आपका आ गया। ध्यान रखिए, अपने मोबाइल का ब्लूटूथ आपको हमेशा ऑन रखना है। अब देख लीजिए, इस तरह से ओपन हो चुका है कि आपकी स्थिति। स्व परीक्षण आपको करना है। कोविड अपडेट्स, ई पास अभी जल्द आ रहा है, अभी ओपन नहीं हुआ है। तो आपकी स्थिति में हम अनुशंसा करते हैं। नंबर 1, सामाजिक दूरी बनाए रखें। नंबर 2, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, आत्म आश्वासन परीक्षण लें। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि आत्म आश्वासन यानी कि सांस रोक के जो परीक्षण किया जाता है आप कर सकते हैं। ये 20 सेकंड तक का सांस होता है शायद। अपडेट के लिए नियमित रूप से ऐप देखें। सामाजिक दूरी कैसे बनाएं, बिना हैंडशेक नमस्कार कीजिए, यानी कि किसी को टच नहीं करना है, हाथ नहीं मिलाना है, हाथ जोड़कर दूर से नमस्कार करना है। आपको मुंह पर मास्क रखना है। दूसरा, सामाजिक समारोह में जाने से बचना है। तीसरा, 6 फीट की दूरी लोगों से बनाए रखनी है आपको कम से कम। कोरोना वायरस पर आपने देखा होगा कि महानायक अमिताभ बच्चन जी का भी ये ऐड आपको दिखाई दे जाएगा। और COVID-19 करो और मत करो, करना और नहीं करना है। देखिए, मास्क लगाना है आपको, खुले में बिना मास्क लगाए नहीं घूमना है के बारे में जानकारी आपको और भी यहाँ से मिल जाएगी। ये नरेंद्र मोदी जी का फ़ोटो के साथ में यहाँ पर आपको, ये नरेंद्र मोदी जी का जो PM भारत के है, यहाँ पर यदि कोई दान देना चाहता है तो उनका अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। आप अकाउंट नंबर में अपना योगदान भी दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। यदि आपको टेस्ट करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ तो या तो स्व परीक्षण पर चले जाइए या यहाँ पर आप पुनः टेस्ट करें। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो मैं पुनः टेस्ट करे पर कर सकता हूँ। तो इसमें पुनः टेस्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाता है, कृपया सही उत्तर दे, हमारी मदद करते हैं, आप बेहतर मदद करते हैं, चिकित्सा सहायता कर्मचारी मूल्यवान और सीमित है, एक जिम्मेदार नागरिक बने। ठीक है, समझ गए। यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर सारी जानकारी देनी है। कृपया ध्यान दें कि इस कॉल से दी गई जानकारी का उपयोग वर्तमान स्वास्थ्य संकट की निगरानी और प्रबंधन एवं COVID-19 के विरुद्ध अनुसंधान के लिए किया जाएगा। आपका लिंक क्या है, पुरुष है, महिला है या अन्य? पुरुष है तो पुरुष कर दीजिए। फिर अगला ऑप्शन आ जाएगा, कृपया अपनी आयु लिखें। यहाँ पर आपको अपनी आयु, जो भी आपकी आयु है, यहाँ पर लिख देनी और नेक्स्ट कर देना है। अगला ऑप्शन आ जाएगा, क्या आप नीचे लिखे हुए लक्षणों में से किसी का अनुभव कर रहे हैं? क्या आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में दिक्कत है? इनमें से कुछ भी नहीं है तो आपको वही ऑप्शन दबाना है। यदि आपको फिलहाल खांसी है तो खांसी पर ऑप्शन दबाना है, बुखार है तो बुखार पर, सांस लेने में दिक्कत है तो सांस ले। यदि कुछ नहीं है तो इनमें से कोई आप कर दीजिए। तो क्या आपको कभी नीचे लिखे हुए रोग में से कुछ भी कभी हुआ है? मधुमेह या उक्त रक्तचाप, यानी कि आपको BP हाई की कोई हुआ हो दिक्कत, दिल की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी, इनमें से कुछ नहीं। मुझे हुआ था उक्त रक्तचाप, तो मैंने यहाँ पर कर दिया और नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद क्या आपने पिछले 14 दिनों में कोई विदेश यात्रा की है? की है तो हाँ कीजिए, वरना नहीं कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा आपके लिए लागू होता है? हाल ही में किसी COVID-19 पॉजिटिव वगैरह से मिलना हुआ है या ऐसे व्यक्ति के साथ रहा हूँ? मैं एक स्वस्थ कर्मचारी हूँ और मैंने सुरक्षात्मक गियर के बिना एक COVID-19 पुष्ट मामले की जांच की, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं है। ये यहाँ पर दिखा रहा है आपका संक्रमण जोखिम कम है। हम अनुशंसा करते हैं कि आप नोवेल कोरोना वायरस के संपर्क के किसी भी अवसर से बचने के लिए घर पर रहें। यदि आप लक्षणों का विकास करते हैं या किसी COVID-19 पुष्ट रोगी के संपर्क में आते हैं तो सत्य निर्धारण टेस्ट को दोबारा लें। यदि अगले 2 हफ्तों में आपकी खांसी, बुखार या सांस लेने में कोई कठिनाई महसूस होती है तो आपको तुरंत परीक्षण के लिए जाना चाहिए। और यहाँ पर आप इस जो लिंक दिया गया है, ज़्यादा जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। आप ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ पर आपको ये सारी जानकारी मिल चुकी है। ठीक है दोस्तों।
तो इस तरीके से आप पूरी जानकारी आरोग्य सेतु ऐप से ले सकते हो। और यदि आपके संपर्क में सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप जिस व्यक्ति से मिल रहे हैं आपको नहीं पता कि वो व्यक्ति कोरोना वायरस से पीड़ित है या नहीं है, तो ये ऐप यदि आपका ब्लूटूथ ऑन रहा तो ब्लूटूथ ऑन रखिए इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद, तो ये ऐप आपको मदद करेगा कि आपके पास कोई पॉजिटिव व्यक्ति आया था तो आप उससे बचाव भी कर सकते हैं और आप सैनिटाइज भी हो सकते हैं और अपने अपने परिवार की सेवा भी कर सकते हैं, अपने अपने परिवार को आप सुरक्षित भी रख सकते हैं। तो इसलिए ये ऐप बहुत ज़रूरी है। देख लीजिए यहाँ पर सारी जानकारी देने के बाद यहाँ पर आ गया यू आर सेफ, आप सेफ हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से आरोग्य सेतु आपका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में लिख करके। और यदि आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों को ये जानकारी मिले, आपके परिवार को ये जानकारी मिले, तो इस आरोग्य सेतु ऐप को आप ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड कराइए अपने रिश्तेदारों को, भाइयों को, दोस्तों को, और इसका आप लाभ उठाइए, क्योंकि आप सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो आप इससे घर बैठे अपना स्वास्थ्य परीक्षण भी कर सकते हैं कि आप कोरोना से पीड़ित तो नहीं है या आपको संक्रमण तो नहीं हो रहा है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आरोग्य सेतु ऐप आपके लिए और आपके परिवार के लिए और देश के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, जिस तरह से मैंने पूरी प्रक्रिया करके आपको दिखाई है। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।